तुरंत जैसे ही पाटलिपुत्र थाना में सूचना प्राप्त हुई, क्योंकि बहुत ही गंभीर मामला था, इंडस्ट्रियल एरिया से एक फैक्ट्री से उठाया गया था, तो जो वादी है जो अपहरण करता है कामेश राम, उसका अपना भाई है रजनीश कुमार। राजधानी पटना में बीते 1 दिसंबर को पटना के पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र के इंडस्ट्रियल इलाके से एक फैक्ट्री संचालक के भाई का अपहरण का मामला पटना पुलिस के संज्ञान में आया था, जिसके बाद महज 24 घंटे के भीतर ही पटना पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए इसमें संलिप्त 6 अपराधियों को धर दबोचा है। वहीं अगर बात करें तो इस मामले में सोनू और मोनू गिरोह को 50 लाख की सुपारी दी गई थी, जिसमें 15 लाख की अदायगी का वादा किया गया था। ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले पर पटना SSP मानवजीत सिंह ढिल्लो, आइए सीधे सुनवाते हैं आपको। 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई और एक गिरफ्तारी हुई जो मेन षड्यंत्र करता था, परशुराम सिंह। इस पूरे प्रकरण में 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं उनका नाम है परशुराम कुमार, ये भी मूल रूप से बाढ़ क्षेत्र का ही रहने वाला है, पकवा गांव का रहने वाला है। सोनू कुमार जो कि सोनू मोनू जो ग्रुप है उसका मेन जो अपराधकर्मी है, चंदन कुमार, बबलू कुमार, शुभम राज और सौरभ कुमार। जो सोनू है ये सबसे कुख्यात है, इसमें ये टोटल 7 केसेस में पहले जेल जा चुका है, जिसमें बहुत ही चर्चित केस था बाढ़ कोर्ट में 2017 में फायरिंग हुआ था, जिसमें गुड्डू सिंह नाम की व्यक्ति की हत्या हुई थी। बाढ़ कोर्ट परिसर के अंदर ही AK-47 से उसको गोलियों से भुना गया था, उसमें ये जेल गया है। उसके बाद बेगूसराय ज़िला के तेगड़ा प्रखंड में जो प्रोग्राम पदाधिकारी थे मनरेगा श्री नवीन कुमार निश्चल, उसका इसने अपहरण किया था, एक सरकारी पदाधिकारी का अपहरण किया था और फिरौती की मांग की गई थी, उसको इस ग्रोह के चंगुल से छुड़वाया गया था। इसके अलावा लखीसराय ज़िला के, बेगूसराय ज़िला के, रेल पटना ज़िला के और पटना के विभिन्न 7 केसेस में अभियुक्त रहा है। इसके साथ जो पकड़ा गया है बबलू कुमार भी बदौर थाना क्षेत्र का रहने वाला है और ये एक हत्या के केस में 2020 में वीरेंद्र माथुर की हत्या हुई थी, जो कि वार्ड सदस्य हैं, पंचायत के वार्ड सदस्य हैं, उसी में भी जो पंचायत में काम चलता है नल जल योजना का और गली नली का काम चलता है उसमें पैसे की बांट को लेकर उसकी हत्या की गई थी। उससे पहले भी अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में जेल जा चुका है। इसी प्रकार जो एक और सौरभ कुमार पकड़ा गया है, ये 2019 में इसने एक व्यक्ति को गोली मारा था, उसमें जेल गया था। और जो चंदन कुमार पकड़ा गया है वो भी वीरेंद्र कुमार जो हत्या हुई थी वार्ड सदस्य की उसकी हत्या में शामिल था और जेल जा चुका है। इसके अलावा गाड़ी का ड्राइवर शुभम राज भी पकड़ा गया है और जिसने अपहरण कराया था 50 लाख रुपए के लिए परशुराम कुमार, वो पकड़ा गया है। इनसे एक लाइसेंसी रिवॉल्वर बरामद हुआ है और 2 जिंदा गोली बरामद हुआ है और जो वाइट स्कॉर्पियो जिससे अपहरण किया गया था वो भी बरामद हो गई है। जो लाइसेंसी रिवॉल्वर है ये जो अभियुक्त है बबलू कुमार, उसका अपना भाई मुन्ना सिंह आर्मी में है और जम्मू कश्मीर में काम करता है और वहीं से भी ऑल इंडिया लाइसेंस शोपियान ज़िला पड़ता है कश्मीर घाटी में, वहां से इसने लाइसेंस बनवाया था लेकिन उसका दुरुपयोग हो रहा था और वो अपने पास रखे नहीं रखते हुए अपनी क्योंकि स्वेच्छा उसको अपने आत्मरक्षा के लिए रखना तो उसने अपने भाई को दे रखा था। और इनकी पूछताछ के क्रम में पता चला कि इन्हीं हथियारों के बल पर लोग स्थानीय स्तर पर ज़मीन का भी काम करते थे और जो लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं टेंडर देने में उसमें रंगदारी का भी काम करते थे, पैसा वसूल रहे थे। मैंने आप लोगों को आमंत्रण दिया है संवाददाता सम्मेलन में। ये एक फिरौती हेतु अपहरण का मामला हुआ था जिसमें पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल एरिया में एक मैसर्स आर के बैग एंटरप्राइजेस करके एक फैक्ट्री चलती है जिसमें स्कूल बैग्स का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। ये फैक्ट्री 3 पार्टनर्स के द्वारा संचालित की जाती है जिसमें एक का नाम मनोज कुमार, एक का नाम शशि कुमार और एक का नाम रजनीश कुमार है। तो 1 तारीख को पाटलिपुत्र थाना को सूचना प्राप्त हुई थी संध्या 5 बजे के तकरीबन कि उसके भाई को जिसका नाम कामेश राम है, पिता का नाम विदेशी राम, जो कि मूल रूप से पिरोखर गांव थाना मधवापुर ज़िला मधुबनी के रहने वाले हैं, उसके भाई को 6 अज्ञात लोग उसकी फैक्ट्री से उठा के स्कॉर्पियो में उठा के ले गए हैं और उसके बाद 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी जा रही है उसको रिलीज़ करवाने के लिए। तुरंत जैसे ही पाटलिपुत्र थाना में सूचना प्राप्त हुई, क्योंकि बहुत ही गंभीर मामला था, इंडस्ट्रियल एरिया से एक फैक्ट्री से उठाया गया था, तो जो वादी है जो अपहरण करता है कामेश राम, उसका अपना भाई है रजनीश कुमार जो कि फैक्ट्री का संचालक भी है, तो उसे संपर्क किया गया, उसके भाई की फ़ोटोग्राफ्स को प्राप्त किया गया, फिर आसपास का जितना भी हम लोगों का CCTV कैमरा था उसका हम लोगों ने अवलोकन किया
और एक विशेष टीम का गठन किया जिसमें नगर पुलिस अधीक्षक मध्य, ग्रामीण पुलिस अधीक्षक, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विधि व्यवस्था और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बाढ़ को लगाया गया। इसमें हम लोगों को पता चला स्कॉर्पियो का नंबर हम लोगों ने डेवलप किया और उसके बाद जो भी फैक्ट्री के अंदर लोग आए थे, जो बाकी स्थानीय वहाँ पे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे थे, उनसे हुलिया वगैरह का पता किया गया। तत्कालीन हम लोगों ने 5 टीम्स बनाई और जितना भी हम लोगों का नाकाबंदी था, सीसीटीवी से हम लोगों को पता चला कि बाढ़ की तरफ 4 लेन की तरफ स्कॉर्पियो लेकर भाग रहे हैं। तो जितने भी रास्ते में थाने पड़ रहे थे, फतुआ, अतमल गोला, खुशरूपुर, बाढ़, सभी जगह पे चेकिंग करवाया गया। इसी क्रम में, क्योंकि स्कॉर्पियो का नंबर आ गया था, हम लगातार हर जगह से फीडबैक ले रहे थे, तो बाढ़ थाना क्षेत्र में इनको घेरते हुए, नाकाबंदी करते हुए स्कॉर्पियो को पकड़ा गया और जो अपहरण जिसका अपहरण हुआ था कामेश राम, उसको सकुशल बरामद किया गया और इसके टोटल 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो ये जितने भी गिरफ्तार हैं, जब इनसे पूछताछ किया गया तो पता चला कि बहुत ही कुख्यात गिरोह है सोनू मोनू गिरोह, जो कि पटना ज़िला में, लखीसराय ज़िला में और बेगूसराय ज़िला में सक्रिय है। ये 2 भाइयों का गिरोह है जो कि पहले भी बहुत से अपहरण के केसेस में जेल जा चुके हैं, हत्या के केसेस में जेल जा चुके हैं, लूटर डकैती के केसेस में जेल जा चुके हैं। तो जाहिर सी बात है, महज 24 घंटे के अंदर पटना पुलिस ने इस अपहरण कांड का पूरा खुलासा कर दिया है। वहीं कई मामलों में संलिप्त सोनू मोनू गिरोह के सरगना सोनू को भी पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिस पर कई लगभग 7 मामले पटना सहित कई अन्य जिलों के थानों में दर्ज है। फिलहाल पुलिस की कार्रवाई आगे बढ़ती जा रही है और कहीं ना कहीं इस अपहरण कांड का पूरा खुलासा भी कर दिया गया है। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।